Today we will start chapter 25, that is probability. सबसे पहले बच्चे इसके बेसिक्स, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंट? ए प्रोसेस का हमें एग्जैक्ट रिजल्ट ना पता हो, ए प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम which result in some well-defined outcomes is known as experiment. A process which results in some well-defined outcomes एक सेकेंड बच्चे वेल डिफाइंड ये डेफिनेशंस बच्चे याद कर लेना आउटकम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या रिजल्ट आ सकता है बेटा वेल डिफाइंड है ऐसे तो नहीं है कि हेड और टेल के बिना कुछ और आ जाएगा प्रोसेस विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या है हेड एंड टेल इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट सेकेंड बच्चे रेंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट सर ये डेफिनेशंस भी याद करनी है हाँ जी बेटा रैंडम कुछ भी पता होता बच्चे कुछ भी आ सकता है एग्जाम में सब पर डेफिनेशन मैथ्स में कहाँ आती है सब आती है बेटा नहीं आती सर मैथ्स को भी नहीं आती है फिर ठीक है ना करो मैं मेरा जो है मैं तो करवाऊंगा ठीक है रैंडम का मतलब कोई बात नहीं बेटा रैंडम का मीनिंग क्या होता है कि कोई मान लो एक बैग में 1 से लेके 100 तक चिट्स पड़ी हैं विदाउट उसको मतलब देखे हम क्या करें एक एक चिट निकालें उसमें से तो दैट इज रैंडम कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 100 तक यस सर यस सर एक डाइस को थ्रो करें डाइस तो पता है ना यस सर यस सर डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है यस सर यस सर ओके दैट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट मींस ऑल द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस सब सारी डेफिनेशन सारी मतलब आउटकम्स हमें पता हैं जैसे डाइस है 1 से लेके 6 तक सारे सारा पता है हमें आउटकम्स ये हैं बट एनी स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो स्पेसिफिक आएगी बच्चे दैट इज कॉल्ड रैंडम ओके दैट इज कॉल्ड रैंडम नाउ थर्ड इज सैंपल स्पेस बुक के अंदर बच्चे सारी की सारी लिखी हुई है वहां से लर्न कर लेना यहाँ पे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा हमारा Sample space, total outcomes are known as random, sample space. The set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes is called sample space. Dice ko throw karte hain. तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी 1 2 3 4 5 6 दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस टोटल जो आउटकम्स हैं दैट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस उसके बाद आया था बच्चे गया सर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं समझ आया रैंडम का मतलब होता है बच्चे डाइस को थ्रो किया डाइस की सारी आउटकम्स हमें पता है ना कि 1 से लेकर 6 तक
जब हम उसको थ्रो करते हैं तो सिक्स की सिक्स तो नहीं आती ना? नो सर, उसमें से एक ही आती है ना? यस सर. एनी स्पेसिफिक, कोई भी एक स्पेसिफिक आती है, दैट इज कॉल्ड रैंडम. हमें नहीं पता हम उसको थ्रो करेंगे तो क्या आएगा. अंडरस्टूड? ओके सर. यस सर. नाउ फोर्थ वन इज इक्वली लाइकली. Equally likely outcomes. Equally likely का मतलब क्या है? जैसे एक dice को throw करते हैं, 1v1 time है, 2v1 time है, 3v1 time है, 4v1 time है, 5v1 time है, 6v1 time है. उसको throw करेंगे तो कोई simple single एक आएगी ना? सारी तो नहीं आएंगी, ये सारी no, आएंगी? Yes. एक आएगी ना? That is called equally likely. एक coin को toss करते हैं तो क्या आ सकता है हमारे पास? Head या tail? Yes sir. That are equally, मतलब equal number of, जिसमें equal हो. अब जैसे मान लो एक bag है, उसके अंदर 5 red balls हैं और 3 black balls हैं. Mix की हुई हैं. Without उसको मतलब check किए एक बॉल हम उसमें से निकाले बैग में से, तो वो रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है. बट दैट आर नॉट इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? क्योंकि रेड बॉल्स आर मोर देन ब्लैक. दैट्स द रीजन. जो रेड बॉल्स हैं वो मोर हैं किससे? ब्लैक बॉल से. दैट्स व्हाई इट इज नॉट इक्वली लाइकली. ओके, इक्वली लाइकली जिसमें इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स हो, जैसे हेड एंड टेल. ओके, उसके बाद आ जाते हैं बच्चे हमारे पास एन इवेंट. फिफ्थ क्या आ जाता है? एन इवेंट. एन आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट. डाइस थ्रो किया, हमारे पास ऊपर क्या आ गया उसके फ्रंट ऊपर वाले फेस पे मान लो 5 आ गया, तो जो 5 आया दैट इज कॉल्ड इवेंट. सर उसको तो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोला था. रैंडम एक्सपेरिमेंट तो होता है, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, जो आया है दैट इज कॉल्ड इवेंट. ओके सर. अ मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई से डिनोट कर दिया मैंने. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अपॉन मी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. वन मोर थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. मतलब कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू किसी भी प्रोबेबिलिटी की 0 और मैक्सिमम 1. 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. जब 0 आंसर हो, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से एक बॉल बाहर निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कमिंग आउट? 0 by 5. दैट इज 0 ना, क्योंकि ब्लैक बॉल ही नहीं है बीच में. फॉर्मूले के हिसाब से मैंने पूरा बताया. बच्चे मैंने कौन सा मना किया है? मैंने भी यही बोला 0.5 is 0 और तो कुछ नहीं बताया, यही बोला है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज 0. तो दिस 0, जब प्रोबेबिलिटी बच्चे किसी इवेंट की 0 आती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नल इवेंट. नल प्रोबेबिलिटी और नल इवेंट. ठीक है, अब जब प्रोबेबिलिटी 1 आई, मान लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पूछा होता तो 5 by 5 आना था ना, आंसर क्या आ गया? 1. जब प्रोबेबिलिटी 1 आएगी बच्चे, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. श्योर इवेंट कि श्योर आएगा ही आएगा, वो होगा ही होगा. हमने रेड बॉल निकालनी है तो रेड ही आ रही है, चाहे तुम 10 बार निकालो, चाहे कितने मर्जी बार टाइम निकालो, क्योंकि रेड बॉल ही है उसके अंदर ओनली. That is called sure event. Okay. Now, one more thing. Probability of
ऑल इवेंट्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट. नॉट एन इवेंट को बार से डिनोट करते हैं बच्चे, उसके ऊपर बार लगा देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन, कब करेंगे हम? अगले साल कर लेंगे. समझना नहीं है ना इसको? ये समझ आ गया बच्चे तो मेरे को करवाना इजी हो जाएगा, एक्सरसाइज फटाफट हो जाएगी. अच्छा सर. ओके हाँ सर. तो इसको समझो बेटा पहले. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज वन. मीन्स जैसे एक डाइस है, डाइस लगा लो या कॉइन लगा लो. एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड या टेल आता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा ना? यस सर. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी उसकी? 1 आएगी ऑलवेज. अब बच्चे एक चीज और, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो मेन चीजें हैं वो बता रहा हूं बच्चे मैं यहां पे. सिर्फ सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1. इसी कॉइन को ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1. अब मान लो डाइस है 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 4 रह गया, चलो 4 लास्ट पे लिख दिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड इज ऑलवेज 1. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. ओके अब हम एक्सरसाइज. फर्स्ट सम, सबसे पहले बच्चे सैंपल स्पेस लिखनी है हर एक क्वेश्चन में. सैंपल स्पेस मतलब जो उसकी आउटकम्स हैं वो लिखनी है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है. जो चीज भी देखो, फेवर क्या होती है? जो क्वेश्चन में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ ली दैट इज फेवर, वो फेवरेबल आउटकम्स होती है. और टोटल नीचे जितनी भी टोटल आउटकम्स होंगी. अब एक कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. सबसे पहले हेड टेल ऐसे लिख दो, उसके बाद गेटिंग अ टेल प्रोबेबिलिटी यहां पे पी टेल डाल के उसका फॉर्मूला लिखना है. सबसे पहले नंबर ऑफ, हर एक सम में बच्चे ऐसे लिखना जरूरी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मैं फर्स्ट सम में लिख रहा हूं, इसके बाद मैं ये फॉर्मूला कभी नहीं लिखूंगा, तुमने अपने आप लिखना है. ओके अब मैं जिस जिस से पूछता रहूंगा बच्चे, उस उसने आंसर देते रहना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टी डाल दिया मैंने. यस अमन, फेवरेबल टेल. कितनी टेल्स हैं इसमें सर? 2. 2 टेल्स हैं, शाबाश. आके चेक करवा अपनी, डॉक्टर के पास जा. सर मे आई टेल? अमन. यस सर. कितने टेल हैं? 1. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल. पूरा का पूरा ऐसे लिख देना है प्रॉपर बीच में. सर आपने जैसे कहा था टी के ऊपर बार डालकर डिनोट नहीं कर सकते? टी के ऊपर नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे बच्चे, वो तो इवेंट वैसे ही उसको लिखा था हमने. ओके सर. टी के ऊपर बार नहीं डालना, नॉट ही लिखना है, नॉट गेटिंग अ टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ टेल, प्रियांशी. सर 1 - 1/2. सॉरी, नॉट गेटिंग अ टेल का मतलब एक मिनट बच्चे, प्रियांशी. नॉट गेटिंग अ टेल मतलब हेड, मतलब हेड. चाहे तो नॉट गेटिंग अ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज द सेम थिंग. ओके यहां प्रोबेबिलिटी हेड पूछा होता या नॉट गेटिंग अ टेल,
दैट इज द सेम थिंग. तो नॉट टेल, टेल जिसमें नहीं आ रहा, कितने केसेस है, वन केस है जिसमें टेल नहीं आ रहा, वो फेवर में हो गया अपॉन टू टोटल, वो भी ठीक है बट वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, इसको ऐसे सीधा ही करना है. सेकेंड सम, ए बैग कंटेन, ये बैग बना दिया मैंने, थ्री व्हाइट बॉल्स, डब्ल्यू सीड नोट कर दिया, फाइव ब्लैक बॉल्स एंड टू रेड बॉल्स. टोटल बॉल्स कितनी है, टेन बॉल्स आर देयर, टेन बॉल्स, टेन. अंजलि, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, वन बाय टू. ब्लैक बॉल्स कितनी है, फाइव. तो फाइव बाय टोटल टेन, कट करके कितना आ गया, वन बाय टू. तूने सीधा आंसर बता दिया था पीछे से देख के अंजलि. नो सर, मुझे तो ये लग रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, भावना. यस सर, टू अपॉन टेन. रेड बॉल्स कितनी है, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछा है, तो रेड क्या है फेवर में, कितनी बॉल्स है रेड, टू, टू आउट ऑफ टेन, वन अपॉन फाइव इज द आंसर. नेक्स्ट अर्शिया, यस, अ व्हाइट बॉल सर, थ्री अपॉन टेन. थ्री अपॉन टेन, एक चीज और, इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं बच्चे, हम हाफ को डेसिमल में किया 0.5, 1/5 को डेसिमल में किया 0.2, चाहे तो अपॉन में आंसर छोड़ दो चाहे डेसिमल में कर दो, दिस इज 0.3. सर परसेंट में नहीं कर सकते, नहीं परसेंटेज में नहीं करेंगे, जब उन्होंने बोला होगा तभी करेंगे. ओके सर, ओके सर. फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, हंसिका. सर 8/10, नॉट रेड, रेड को छोड़ दो, व्हाइट एंड ब्लैक कितनी है टोटल, बाकी रिमेनिंग 8 है, 8/10, डेसिमल में किया 0.8. लास्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लैक बॉल, हर्ष. सर 5/2, 5/10, ब्लैक को छोड़ दो, 5 बच की रिमेनिंग बॉल्स अपॉन 10, डेसिमल में करके 0.5 आ गए. दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Now the third question. In a single throw of dice, find the probability of getting a number. Single throw of dice. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ये आ सकते हैं. सबसे पहला part. Probability of a number greater than 4. कनिष्का. यस सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4. सर 2/6. 2 फेवर में हो गया, देखो 5 एंड 6 ग्रेटर है, 4 को काउंट नहीं करना, ओनली ग्रेटर बोला उन्होंने. 2/6, 1/3 इज आंसर. सेकंड प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 4, जिससे पूछू उसी ने बोलना है. खुशी, खुशी रसोगी, खुशी रसोगी, यस बच्चे, लेस देन और इक्वल टू 4, सर 4/6, 4/6, 2 2 4, 2 3 6, 2/3. थैंक यू, थैंक यू, वेलकम. नेक्स्ट इज नॉट ग्रेटर देन 4, खुशी गुप्ता. Yes, sir. Sir, 3/6. Why? Not greater than 4. 4 से greater नहीं होने चाहिए. 4 के equal तो हो ही सकता है. Okay, sir. So 4/6. थोड़ा सा ध्यान से बेटा. Free के number हैं ये. और free के number कटवा लेंगे. खुशी गुप्ता जी. सुनाई दे रहा है खुशी? Yes, sir. Not greater than, थोड़ा सा सोच समझ के, not greater than 4, 4 से greater नहीं होना चाहिए, equal तो हो ही सकता है, मतलब less than or equal to or not greater than 4 is the same thing. Yes sir, okay sir. 2/3 is the answer. Now the fourth sum,
In a single throw of dice, find the probability of. Fair again, one sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. First, क्या पूछा है? Probability of the number will be an even number. Sadaf. So 3 upon 6. Even number. 2, 4 and 6 are even numbers. Huh? So there are 1 upon 2. There are 3 even numbers. So 3 upon total outcomes are 6. 1 upon 2. Second part is ka. Probability of will not be a not an even number. Even number na ho. So Mahi Tandon. Sir, 3/6. Yep. Mahi Tandon किसका नाम है? ज्यादा पसंद आ गया Mahi Tandon नाम. Sadaf, देख ले, change करवा देते हैं. Please बच्चे, जिससे मैं पूछूं, मैं बोल रहा हूँ ना. ऐसे मजा भी आता है पढ़ने का और मुझे मतलब टीच करने का भी मजा आता है और सारे एक्टिव रहते हैं कि हाँ हमारी टर्न भी आ सकती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर. शौर्य सर 3/6 ऑड नंबर 1, 3 and 5. 3 है आउट ऑफ 6. 1/2. Now the fifth sum. From a deck, playing cards. बच्चे सबको पता है? Yes sir. Sir. Yes sir. कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो? No sir. No sir. All of you know very well. Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Total 52 cards आ गए. चलो मैं थोड़ी सी information दे देता हूँ. There are 4 type of cards. First one is heart. Second one is diamond. Third one is spade. And fourth one is club. नहीं सर असल में भी 52 cards ही होते हैं या ये question में ही है? असल में भी 52 ही होते हैं बेटा. Okay sir. तूने कभी खेला नहीं? No sir. नहीं. Very bad. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. हर्ट, डायमंड, दिस इज कॉल्ड डायमंड, दिस इज कॉल्ड स्पेड एंड दिस इज कॉल्ड क्लब. अब हर्ट्स टोटल 13 कार्ड्स होते हैं सारे. ये भी 13 होते हैं, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13. ये दोनों है हर्ट्स एंड डायमंड. दीज आर ऑफ रेड कलर. जो स्पेड एंड क्लब है ये दोनों किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर. ब्लैक कार्ड कौन कौन होते हैं? एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक्स, क्वीन एंड किंग. टोटल 13 कार्ड्स. ए एस, ए को किस क्या बोलते हैं? एस. जे को जैक्स, गुलाम बोल देते हैं इसको. Queen, Rani, and King, Raja. Total 13 cards इसके हैं. Same cards इसके होते हैं. Same इसके. 13 यही card होते हैं. उसमें बस heart लगा होता है. इनपे diamond के sign होता है. इसमें spade का और इसमें club का. जो ये तीन cards हैं, Jack, Queen and King, that are called face cards. इनको क्या बोलते हैं? Face card. तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं पूरे प्लेइंग मतलब कार्ड्स में? 12. 3, 3, 3, 3. टोटल फेस कार्ड्स आर 12. अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे वो देखो. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ सम क्वेश्चन नंबर 1. Probability, find the probability that card drawn will be a black card. Priyanshi, कितने black cards होते हैं? कितने black card होते हैं total? 26.
13 स्पेड 13 क्लब मतलब टोटल 26 हो गई आउट ऑफ 52. कट किया 13 टू जा 13 फोर जा 2 1 हाफ इज डांस. सेकेंड स्वाति इज देयर? यस सर. ओके सेकेंड बच्चे नॉट बी अ रेड कार्ड. यस बेटा सर 26/52 नॉट अ रेड कार्ड बताए थे आएंगे आगे इसमें नहीं आएंगे किसी इसमें नहीं आए किसी और क्वेश्चन में आ जाएंगे बेटा. नॉट अ रेड कार्ड 26/52 हाफ. राघव इज देयर? नो. शिखा यस सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26/52 = 1/2 सेम कट करेंगे हाफ आ जाएगा. फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड. माही टंडन सर 12/52 श्योर? हाँ सर. कट करो किसके टेबल पे? टू के टेबल पे के फोर के टेबल फोर के टेबल पे कट कर दो. फोर थ्री जा 13 जा 3/13 इज द आंसर. फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट फेस कार्ड ऑफ रेड कलर. रेड फेस कार्ड भी बोल देते हैं इसको. रेड सॉरी फेस कार्ड. सदफ सर 13/ रेड फेस कार्ड्स टोटल फेस 52 टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं सर 12 तो उसमें 6 ब्लैक होंगे और 6 रेड होंगे. यस सर सो 6/52 कट किया बच्चे 3 के टेबल पे और 3 के टेबल पे 6/12 क्यों नहीं लिखे कार्ड्स में तो टोटल 52 कार्ड्स है ना उसमें फेस कार्ड पूछे हैं आउटकम्स तो टोटल 52 ही है ना. यस सर 3/26 इज द आंसर. हमने तो पूरी प्लेइंग कार्ड्स को देखना है. हमारे यहाँ तो ताश बोलते हैं इसको. तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? तो ताशी कहते हैं. ताशी कहते हैं. ताशी कहते हैं. तो इंडियन हिंदी नेम्स आल्सो. सॉरी सर आई एम सेइंग दैट यू विल बी नोइंग द हिंदी नेम्स आल्सो ऑफ हर डायमंड दिस इसको चलो yes. इसको पान बोलते हैं बेटा. इसको ईट बोलते हैं. इसको हुकम बोलते हैं और इसको चिड़िया बोलते हैं. यस सर वी आल्सो. यू आल्सो? फिर तो सेम सेम है हम दोनों है ना. यस सर. सिक्स्थ अभी बच्चे कंप्लीमेंट्री सिक्स हमें क्या बोल दिया उन्होंने कंप्लीमेंट्री इवेंट है. A and B are two complementary events. Then what is the relation between PA and PB? PA and PB के बीच में क्या relation होगा? Complementary event. What it means? तो क्या relation होगा बच्चे? PA complementary का. Yes. PA plus PB is equal to one. Second part इसका. तभी मैं डेफिनेशंस करवा रहा था कि ऐसा कुछ ना कोई क्वेश्चन आ जाता है. अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मैंने बताया ही नहीं था. एक बार दोबारा बता दूं. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड नॉट एट ए इज वन. यहाँ पे इन्होंने दो इवेंट बोल दिए पी ए एंड पी बी. ऐसी सेम पी नॉट ए को बी ले लिया इन्होंने. ओके ओके सर. If the probability of happening an event is 0.6, probability of an event is 0.46 given है, what is the probability of not happening? मतलब हमें formula पता है ना, यहाँ पे लिखेंगे we know that PE plus P not E. अब यहाँ पे ऐसे denote कर सकते हैं बच्चे, बाहर से. One, probability of event बच्चे 0.46 plus probability of not an event
is 1. Probability of not an event, 1 minus 0.46. माइनस किया क्या आ जाएगा 0.54 आ जाएगा. हर्ष माइक ऑफ करो. सेवंथ, ये समझ आ गया बच्चे. उन्होंने पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट फाइंड करना है. तो दोनों का सम हमें पता है, हमें मालूम है कि 1 होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के प्लेस पे 0.46 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट हम फाइन करेंगे, 0.46 बच्चे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करके 0.54 आ गया. ओके यस सर. नेक्स्ट सम, इन अ टीटी मैच बिटवीन गीता एंड रितु, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रितु, विनिंग रितु, रितु के जीतने के चांसेस 0.73 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गीता, गीता के चांसेस कितने होंगे. अर्शिया, अर्शिया, रितु के जीतने के चांसेस 0.73 है, तो गीता के विनिंग के चांसेस कितने होंगे बेटा. टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चे, 1 होती है ना, 1 माइनस 0.73. ओके, माइनस करेंगे 0.27. रितु की विनिंग की प्लस गीता की विनिंग की, दोनों का सम 1 होगा ना. गीता का फाइंड करना है तो 1 में से माइनस हो जाएगा विनिंग ऑफ रितु. सेकंड, नॉट विनिंग ऑफ रितु, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गीता और नॉट विनिंग, सेम थिंग है, नॉट विनिंग रितु. सर 0.7 वही आएगा, 1 माइनस 0.73, हाँ 2.7 ही आएगा. सेम थिंग, विनिंग गीता सॉरी और नॉट विनिंग रितु इज द सेम थिंग. अंडरस्टूड? यस यस सर. Eighth sum. Now we have question number 8. In a race between Mahesh and John, the probability that John will lose the race, probability of lose John, lose the race is 0.54. Same hai. Pehla part, probability of winning Mahesh. Yes, Kanishka. 0.54. No, sir. Bhavna, mic off karo, beta. Lose John, 0.54. मतलब John हार जाता है. तो remain, मतलब इसका meaning क्या है? Lose John, winning Mahesh. मतलब जी Mahesh जीतेगा. तो same आएगी ना? Yes, sir. Second. Yes, sir. मत confuse करने के लिए करते हैं वो ऐसा कुछ बस. Second. Yes, sir. Probability of winning John. One minus 0.54. One में से minus कर देंगे. 0.46. That is answer. Ninth. अभी Sadaf. नाइन्थ में क्या पूछा है? राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट. बताया था मैंने सदफ. श्योर 1. श्योर, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी? श्योर है ना कि रेड आएगी? आएगी. yes, sir. तो 5/5, 1. श्योर, श्योर का मीनिंग सिंपल इंग्लिश मीनिंग श्योर है कि हाँ वो आएगा ही आएगा. बॉल निकाली उसमें से रेड आएगी आएगी, हो ही नहीं सकता कि रेड ना आए. अंडरस्टूड? दैट इज श्योर. सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल है. अब यहाँ पे फाइव रेड बॉल्स हैं, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है ना. जीरो जीरो जीरो. थर्ड, फॉर एन इवेंट ई राइट अ रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द रेंज वैल्यू ऑफ पीई. पीई की रेंज वैल्यूज क्या आएंगी बेटा, टेल मी. लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू वन. बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू वन, बताया था ना. यस सर, दैट इज आंसर, दैट इज द रिलेशनशिप. रेंज है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो से लेके वन तक होती है. रेंज का मीनिंग क्या है कि कहां तक वो लाई करती है, जीरो और वन के इन बिटवीन. और जीरो की इक्वल भी हो सकती है, वन की इक्वल भी हो सकती है. ना जीरो से लेस हो सकती है ना जीरो से ग्रेटर हो सकती है. मतलब नेगेटिव भी नहीं जा सकती, 1.1 भी नहीं हो सकती. टेंथ, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फाइव. डाइस आउटकम्स लिख लो, लिख ली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव. वन आउट ऑफ सिक्स. यस सर. सेकंड, तो फ्री के मार्क्स हैं ये वाला चैप्टर तो. एट. यस शौर्या. यस सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एट. सो जीरो. जीरो. जीरो पॉइंट सिक्स लिख दो, जीरो आ जाएगा. एट तो है ही नहीं ना, डाइस में होता ही नहीं है. यस. प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन एट. सर मुझे वो थर्ड पार्ट नहीं समझ आया, आपने कैसे किया अभी. रिलेशन, रेंज का, रेंज का मीनिंग क्या होता है. रेंज का सिंपल इंग्लिश वर्ड, रेंज का मीनिंग एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच. वो तो फॉर्मूला कर रहा है बेटा, दैट इज अ फॉर्मूला. मैं रेंज का मीनिंग समझता हूँ, पूछ रहा हूँ सर. यहाँ मतलब पता नहीं, तूने एक जैसे शॉर्टपुट फेंकते है ना, तूने शॉर्टपुट उठाया, एक बॉल उठाई, उसको तूने फेंका, कितनी दूर तक जा सकती है वो. व्हाट डिस्टेंस इज रेंज. उसकी रेंज तेरी रेंज वहां तक है. तेरी आवाज तू बोलता है कितनी दूर तक सुन सकती है, दैट इज रेंज. एक बंदूक है, एक गन में से गोली निकाली, वो कितने मान लो 2 किलोमीटर तक जा सकती है, तो उसकी रेंज कहां तक है, 2 किलोमीटर तक है. रेंज का मीनिंग ये होता है कि उसकी रेंज कहां तक है, समझे. अब yes, जो इवेंट है, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, और उनके इन बिटवीन लाई करती है. तो उसका रिलेशन ये बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1. तो उसकी रेंज होगी 0 से लेके 1 तक. तो रेंज ही बोला था ना. यस सर. थर्ड पार्ट, अ नंबर लेस देन 8. प्रियांशी कितना? 6 by 6. 6 by 6. 8 से less. 6 number ही है और total भी 6 ही है. तो 1 is the answer. Next is fourth part. Swati. A prime number. 1 by 2. Prime number कौन कौन से है पहले तो ये बता मुझे इनमें. Swati, which numbers are prime? इन 6 नंबर्स में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 प्राइम है सर. नो सर. 2 है. यस सर. 3 है. यस सर. 4 है. नो सर. 5 है. यस सर. 6 है. नो सर. तो मैं यही पूछ रहा था, कंफ्यूज तो हो गई. 3 by 6. तो कंफ्यूज क्यों हुई थी, बोले मुझे ये बता. सर 1 भी प्राइम नंबर नहीं है. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताओ बच्चे मुझे पहले तो. सर जो सर अपने टेबल में और 1 के साथ जिनके फैक्टर्स होते हैं व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली और हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ. 1 जो नंबर है दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. 1 इज यूनिवर्सल नंबर, यूनिक नंबर, वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है.
So 3/6, half is the answer. Next sum, 11th. A dice is thrown once. Find the probability of get an even number. वन से लेकर सिक्स तक इवन नंबर कितने हैं? थ्री है ना, हाफ आ गया. सेकंड, अ नंबर बिटवीन थ्री एंड एट. हर्ष, नंबर बिटवीन थ्री एंड एट, प्रोबेबिलिटी 3/6. थ्री एंड एट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 एंड 8 के बीच में ये तीन नंबर ही है ना, 4, 5, 6. 3/6, हाफ. नेक्स्ट इज एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3. एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3. सर कहने या सर 2/6. Even number or, not and. 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा. Sir, 4/6. स्वाति, पता चला बच्चे? Yes, sir. उन्होंने लिखो और लिखा है. And लिखा होता ना यहाँ पे, तो दोनों yes, का sir. जो कॉमन था तो सिर्फ 6 आना था, 1/6. Even भी है, even भी चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए. तो 2 even है, 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, 4 इवन है, 6 दोनों ही है, इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है. तो वन टाइम काउंट करना है, टू टाइम नहीं काउंट करना उसको. 4/6. किसी को बच्चे इसमें डाउट हो इसमें? नो वन? नो सर. सर वो सेकंड वाले में से क्या हुआ? बिटवीन 3 एंड 8 बेटा, 3 एंड 8 के बीच में. 8 तो है ही नहीं, 6 तक ही है ना, तो 4, 5, 6 तीन नंबर ही आएंगे ना बेटा. हाँ हाँ सर. नेक्स्ट सम 12th. ये मैं पूछूंगा शिखा से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. 3/5 हो सकती है बच्चे? यस सर. इसको डेसिमल में करें, 0.6 आ गया. यस, क्योंकि 0 एंड 1 के इन बिटवीन लाई करती है. 2.7 शौर्य हो सकती है? नो सर. नो, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर होगी. 43%, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है ना. अंजलि, 0.43 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और नॉट? यस सर. यस. फोर्थ वन, -0.6. हंसिका? नो सर. नो. फिफ्थ पार्ट, -3.2, दिस इज आल्सो नो. सिक्स्थ पार्ट, 0.35. यस. यस. 13th, ए बैग कंटेन्स 6 आइडेंटिकल बॉल, ब्लैक बॉल्स. ये बैग बना दिया, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, सॉरी 6 ब्लैक बॉल्स हैं. 6 इज दिस वन. ए चाइल्ड विदड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट अ व्हाइट बॉल? शौर्या, जीरो. व्हाइट बॉल तो है ही नहीं ना इसमें, तो जीरो आएगा. 0.56 लिख दो, उसके बाद जीरो लिख दो चाहे. यस. अ ब्लैक बॉल 6/6. वन. लास्ट 14 सम, सॉरी. अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. सर. हाँ जी बेटा. सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में सर एक बॉल तो सर वो बच्चा लेके आता है ना. कौन सा लेके आता है, कहाँ लिखा उन्होंने? सर वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विड्रॉ. विड्रॉ मतलब इसमें से विड्रॉ करता है. ओके सर. सिक्स बॉल में से विदाउट लुकिंग इनटू देम. 14th, a single letter is selected at random from the word probability. Find the probability that it is a vowel. Mahi Tandon, vowels word kaun kaun se hote hain?
सर ए ई आई ओ यू. यहाँ पे ए कितने है? वन. ई कितने है? नहीं है. आई कितने है? दो है. ओ कितने है? एक है. यू है? नहीं है. तो वॉवल कितने हुए टोटल? फोर आउट ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. फोर बाई इलेवन इज द आंसर. अंडरस्टूड सर? इसमें सर आई को दो बार कंसिडरेशन में ले लेंगे. या दो बार लेंगे बच्चे. ओके सर. दो बार लेना ही पड़ेगा. टू टाइम्स है. ठीक है वर्ड में. तभी तो नीचे. हाँ जी बेटा. सर मुझे थर्टींथ वाला नहीं आया. बच्चे ब्लैक बॉल्स हैं एक बैग में. ठीक है. तेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और तेरे हाथ को वहां पे ले गए. कहते एक बॉल निकालो उसमें से. तूने निकाल ली विदाउट लुकिंग इनटू देम. तो उसके बच्चे रेड बॉल आने के व्हाइट बॉल आने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाइट बॉल तो है ही नहीं ना बीच में. तो जीरो ही लिखा है आंसर. सर सेकंड वाला पार्ट नहीं आया. ब्लैक बॉल. कोई बॉल मर्जी निकाले वो ब्लैक ही आएगी ना. यस और नो? यस सर. तो 6x6 फेवर में भी 6 की 6 बॉल्स हैं. जो बॉल भी यहां से निकलेगी वो ब्लैक ही निकलेगी ना. रेड व्हाइट या रेड या कोई और कलर तुक्की तो आ ही नहीं सकती ना. श्योर इवेंट है ना ये. 6 बॉल ब्लैक बॉल्स ही है बच्चे उसके अंदर बैग के अंदर. अब तेरे पर्स में मान लो 10-10 के नोट्स हैं सारे. तूने एक नोट निकाला वो 100 का आ सकता है? ओ सर. तो 10 का ही आएगा ना. हां सर. वैसे ही अब मतलब एक नोट निकालेगी उसकी 10 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जितने 10 के नोट है अपॉन जितने सेम है. 10 के नोट ही थे सारे. सर 1/6 पे नहीं होगा. क्यों 1/6 क्यों होगा? सर उसने एक बॉल निकाल ली ना. क्योंकि एक बॉल ही निकालेगा. प्रोबेबिलिटी तो एक बॉल की ही आएगी. जो निकाली है वो ब्लैक की फेवर. फेवर फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. टोटल 6 बॉल्स हैं. किस कलर की हैं? ब्लैक कलर की हैं. यस तो फेवर में कितनी हुई? 6 की 6 बॉल्स फेवर में होगी. ऐसे तो है नहीं कि हाँ एक ब्लैक बॉल है दूसरी बॉल जो है वो राइट व्हाइट कलर की है. रेड की है ना. 6 बॉल्स में से कोई बॉल मर्जी उसके हाथ में आ जाए तो ब्लैक ही होगी. फॉर्मूला के हिसाब से आंसर है. हाँ हाँ सर फॉर्मूला के हिसाब से आंसर निकालिए. हाँ जी हाँ जी बेटा. रमेश चूज अ डेट एट रैंडम इन जनवरी फॉर अ पार्टी. टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं जनवरी में? 31. सी द फॉलोइंग फिगर. फिगर गिवन है हमें जनवरी में. मंडे में 6, 13, 20, 27. ट्यूजडे 7 को है, 14 को है, 21 को है, 28 को है. वेडनेसडे 1, 8 ऐसे दिया हुआ है. सारे डेज दिए हुए हैं कि मंडे कौन कौन सी डेट को आ रहा है, ट्यूजडे कौन कौन सी डेट को आ रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे. खुशी गुप्ता. यस सर. वेडनेसडे कितने टाइम है? सर 4. मेरे को 5 लग रहा है. 1 को भी वेडनेसडे है, 8 को भी है, 15 को भी है, 22 को भी है, 29 को भी है. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. क्यों नहीं है? तो अभी तक खरीदी नहीं है. अच्छा तेरे को मैंने ये भेजा भी नहीं है. और शॉप में अवेलेबल भी नहीं था. चलो कोई बात नहीं मैं भेज दूंगा आज. ठीक है तेरे को. यस सर. थैंक यू सर. वेडनेसडे. कनिष्का. कनिष्का 5/31. 5 फेवर में हो गया. 31 सेकंड पूछ लिया बच्चे. फ्राइडे. अंजलि. सर 5/31. फ्राइडे भी 5 टाइम है. ओके उसके बाद आ गया बच्चे ट्यूजडे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूजडे और अ सैटरडे. प्रियांशी. सर 8/31. मतलब ट्यूजडे और है
और है ना, तो दोनों काउंट कर लो. ट्यूजडे कितने टाइम है? फोर टाइम्स. सैटरडे कितने टाइम है? फोर टाइम. 8/31 इज द आंसर. हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई है. टाइम क्या हुआ है? 56 हो गई. यस सर. चलो ये एक्सरसाइज करना बच्चे, कल हम चैप्टर खत्म फिनिश कर देंगे. ये वाला सारा हो जाएगा फटाफट. सर रिकॉर्डिंग डाल देना. इसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत है? मुझे ये बता पहले तो. नो सर, ऐसे कई बार. नो सर. डाल दूंगा बेटा. ओके सर. आपने तो ऑलमोस्ट सारा कर दिया. क्या सर? मतलब इस एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट सारा हो गया. हाँ जी, हाँ जी बेटा, सारे समझ ही किए हैं. ओके बाय. See you tomorrow. Bye, sir. Bye, sir. Sir.